बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मिलक देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक किलो चावल लिए हैं मैंने और एक किलो चिकन लिया है और यहाँ पे एक पाव मैंने कुकिंग ऑयल लिया था और उसमें चार दरमियाने साइज के प्याज काट के डाल दिए हैं। अब इन पर हल्का सा कलर आने देंगे। प्याज पे हल्का सा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे दो खाने के चम्मच। दो से तीन मिनट तक इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फिर इसमें टमाटर और सब्जी पेस्ट शामिल कर। यहाँ पे तीन मैंने टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के और उन्हें काट लिया है। और यहाँ पर पाँच से छः सब्ज मिर्चे थे उन्हें लंबाई में लंबा लंबा काट लिया है, ये इसमें डालेंगे। आप बीच में डेढ़ खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। वन टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा। एक खाने का चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। एक खाने का चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। तीन खाने के चम्मच इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। चार से पाँच मिनट तक सारी चीज़ों की भुनाई हो गई है अच्छी तरह। अब इसमें चिकन शामिल करते हैं। एक चुटकी इसमें येलो फूड कलर शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं चिकन की भुनाई होते हुए। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे। इसके लिए मैंने आधी प्याली दही लिया था, वो इसमें डाल लेंगे। पूरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करें, स्किप ना करें, तो आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बिरयानी बना सकेंगे। मेरे चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब किया करें। अब इसमें सात से आठ दाने इमली के डालूंगी। वैसे तो इसमें बिरयानी मसाला हमने डाल दिया है, अगर आप चाहें तो इमली ना डाल लें। अब इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और इसे हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए। अब इसे कवर करते हैं, 10 मिनट बाद इसे देखते हैं। तब तक हम चावल बॉईल करते हैं। पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें दो बादियान के फूल और तीन टुकड़े दालचीनी के, दो बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची और पाँच से छः लौंग, ये सारी चीज़ें इस पानी में डाल देंगे। दो खाने के चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बासमती मैंने चावल लिए हैं, उन्हें मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था। पानी बॉयल हो चुका है, अब ये उसमें शामिल करते हैं। चावल बॉयल हो चुके हैं, तकरीबन 90% तक इन्हें बॉयल किया है। कुछ ये दम में अच्छी तरह गल जाएंगे। अब इनका पानी निकालते हैं, अच्छी तरह इन्हें छान लेंगे। यहाँ पे जो चिकन का हमारा कोरमा था वो भी तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें चावल डाल देंगे। चावल अंदर डाल दिए, अब इसमें येलो फूड कलर वो डालेंगे। तीन चार सब्ज मिर्चे साबुत रख देंगे। ये सारी चीज़ें दम में नरम हो जाएंगी और इनका फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ के टमाटर कि कुछ स्लाइस हैं वो इसमें लगाएंगे। लेमन के स्लाइस लगाएंगे। यहाँ पे थोड़े से फ्राई किए हुए प्याज थे मेरे पास, वो ऊपर लगाएंगे। आप 15 से 20 मिनट तक इसे कवर कर देंगे और आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। बीस मिनट हो चुके हैं बिरयानी को दम पे लगाए हुए, आप इसे ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े की हमारी बिरयानी बनके तैयार है। आप इसे डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं।
माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन की बिरयानी बन के हमारी तैयार है। चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे माशाल्लाह आप देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें। फिर हाज़िर होंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।